मथुरा शहर में बड़े ही धूमधाम से होलिका दहन का आयोजन किया गया। सूरत के वारछा विस्तार के अटल जी नगर में बड़े ही धूमधाम से होलिका जलाई गई। आपको बता दें कि होलिका दहन का मतलब है कि हमारे बीच जो बुराइयां हैं उनका दहन करके अच्छाइयों को ग्रहण करें, जिससे विश्वास और सच्चाई की जीत हमेशा होती है। होलिका दहन की परंपरा से हमें ये सीख मिलती है कि बुराइयां चाहे लाख बड़ी हो लेकिन अच्छाई से हमेशा छोटी होती है, जिसका प्रमाण हमें समय समय पर भगवान के द्वारा मिलता रहता है। इस शुभ अवसर पर अटल जी नगर के समस्त ग्रामवासी मौजूद रहे और शांतिपूर्ण रूप से होलिका दहन संपन्न हुआ। वहीं इस खास मौके पर हमने अटल जी नगर के दीपक महाराज से बात की, जिन्होंने होलिका दहन के बारे में हमें पूरी जानकारी दी। मैं दीपक महाराज होलिका दहन के बारे में आप लोगों को बताता हूँ। यह होलिका अटल जी एके रोड सूरत में दहन हुआ। होलिका इसलिए दहन किया जाता है कि हम अपनी बुराइयों का नाश करें और अच्छाइयों को अपनाएं, ताकि भाईचारा हमेशा बना रहे। हम लोगों से यही कहना चाहते हैं कि होलिका दहन जैसे भक्त प्रहलाद ने भगवान नारायण का असुरण करते हुए होलिका स्वयं अपने आप को भस्म कर ली, क्योंकि वह दुराचारी थी, क्योंकि वो एक बच्चे का अंत करना चाहती थी। इस पर भगवान ने उसको दिए हुए थे कि तुम्हें कोई अग्नि नहीं जला सकती, ये वरदान था, लेकिन उसने होलिका ने दुरुपयोग किया और उसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ा और अंत में होलिका स्वयं को जल गई और भक्त प्रहलाद बच गए। तो यही एक हमको सीख मिलती है कि होलिका इसलिए जलाया जाता है क्योंकि हम अपने अंदर अच्छाइयों को हमेशा अपनाए रहें, ताकि भाईचारा सदैव बना रहे। और होलिका दहन करने से हमको ये भी एक सीख मिलती है कि बुराइयाँ जिसके अंदर नहीं होती हैं वो चीज़ समाज में सभी लोग उसको पूछते हैं, और जिसके अंदर बुराइयाँ होती हैं उसको कोई नहीं पूछता है। एक उदाहरण देना चाहते हैं, जैसे कि हिरण्याक्ष बहुत ही बड़ा भक्त था वो भी, लेकिन उसके अंदर अहंकार हुआ था। हिरण्याक्ष जो था भक्त प्रहलाद का पिता था, लेकिन उसको अपने बल का घमंड था। भक्त प्रहलाद ने कहा कि जो इस संसार को चलाते हैं भगवान नारायण, उनका अनुसरण कीजिए, हम सब तो एक वो है। लेकिन उसने नहीं माना, बोला कि तुम्हारा भगवान कहाँ रहता है। भगवान भक्त प्रहलाद ने कहा कि भगवान तो हर जगह रहते हैं, कहाँ रहते हैं, कैसे हर चीज़ में रहते हैं, भक्त प्रहलाद ने कहा, और अंत में उसको स्वयं अपने प्राण को धोना पड़ा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि मन में कभी भी किसी के अंदर अहंकार नहीं होना चाहिए।